की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ग्रेस है, जो इस वक्त एक रास्ते से कहीं पर जा रही थी कि तभी सामने से एक नन सिस्टर आकर उस पर गन तान देती है, जिसे ग्रेस बड़े गौर से देखने लगी। इससे पहले नन ग्रेस को शूट करती, ये सीन इधर ही कट हो जाता है। अब हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्रेस हॉस्पिटल में थी। पता चला कि वो आंखों की डॉक्टर है। उसके पास एक मरीज जो बूढ़ी औरत थी वो अपनी आंखों का इलाज करवाने आई, पर उसकी आंखों का जो मसला था उसे ठीक करना ग्रेस के बस में नहीं था। इसीलिए वो सलाह देती है कि या आप अपना इलाज कहीं और से करवा लें या फिर मेरे सीनियर डॉक्टर से ही करवा लीजिए। जो सुनकर वो मरीज और उसका हस्बैंड वहाँ से चले जाते हैं। रात के वक्त ग्रेस जो अपने घर पर बैठी काम कर रही थी तो अचानक अजीब होने लगा। घर की लाइट्स में गड़बड़ी होने लगती है, जैसे कि सारी लाइट्स ऑन ऑफ होती होती बिल्कुल बंद हो जाती है। जो देखकर ग्रेस को ऐसा एहसास होता है जैसे मेरे अलावा घर में और कोई भी मौजूद है। अब जैसे उसने शीशे में देखा उसे अपने पीछे नन दिखाई देती है। उसने जैसे पीछे मुड़कर देखा अगले पल वो गायब हो गई। जो देखकर ग्रेस काफी डर जाती है। अब तभी डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर का फोन आता है जो ग्रेस को कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बहुत ही दुखी खबर सुनाने लगा हूँ। एक कॉन्वेंट में तुम्हारे भाई की लाश मिली है। कॉन्वेंट उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर नन सिस्टर्स फादर रहती है। वो कहते हैं पर अभी तक ये चीज कन्फर्म नहीं हुई कि उसने खुद अपनी जान ली या फिर उसे मारा गया है। अभी खबर सुनकर ग्रेस एकदम टूट गई। वो दुखी हो जाती है पर वो ये समझ नहीं पाती कि आखिर मेरे भाई की लाश को कॉन्वेंट में कैसे लाया गया, उसकी मौत कहाँ कैसे हुई, जो बाद में उसे वहाँ पर ले आई। वो अब सीधा डिटेक्टिव से मिलने गई जहाँ पर अभी उसके भाई की लाश को मेडिकली चेक किया जा रहा था। इसलिए तब तक डिटेक्टिव उसे कॉन्वेंट में ले गया जहाँ की बड़ी बहन ग्रेस से मिलने आई और उसे एक हैरानकुन जानकारी देती है कि तुम्हारे भाई को एक शैतान ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिसके काबू में आते ही उसने एक बड़े फादर को भी मार दिया, जिसके बाद तुम्हारे भाई ने उस शैतान को रोकने के लिए अपनी जान ले ली। और ये सब मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि हकीकत से जुड़े मुझे ख्याल आते हैं और ये सारी चीजें मैंने अपने ख्याल में ही देखी है। जो सुनकर ग्रेस काफी हैरान तो हुई पर इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था उसे। ये सारी चीजें उसके हिसाब से बेकार थी क्योंकि उसे गॉड या शैतान किसी पर भी यकीन नहीं था। जिसके बाद डिटेक्टिव उसे उसके भाई की लाश के पास लेकर आता है। वो लाश को देख रही थी कि तभी उसे अपने पीछे अजीब महसूस हुआ। उसने जब पलट कर देखा तो वहाँ उसके भाई की आत्मा थी जो उसे कह रहा था कि उसे चली जाओ क्योंकि ये जगह बहुत ही खतरनाक है। जो सुनकर वो काफी घबरा गई। उसके जहन पर इतना गहरा असर हुआ कि वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जब ग्रेस को होश आई तो उसके सामने एक फादर खड़े थे जिनका नाम मैग था और वो ग्रेस से उसके भाई और बड़े फादर की मौत की जानकारी लेने आई थी। वो ग्रेस से सवाल करती है कि क्या तुम्हारी फैमिली को पता चल गया है कि तुम्हारे भाई की मौत हो गई है। जिस पर ग्रेस ने जवाब दिया कि मेरी फैमिली में अब मेरे डैड के अलावा और कोई नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ नहीं है, उन पर मेरी माँ को मारने का इल्जाम है जिस वजह से वो जेल में कैद है। जो सुनकर मैग काफी हैरान रह गई। कुछ देर के बाद ग्रेस को एक विजन ख्याल आया जहाँ पर वो कुछ लोगों को देखती है जिन्होंने चेहरों पर मास्क पहने हुए थे और वो रिचुअल जादू कर रहे थे। अब तभी यहाँ बहुत सारे वॉरियर्स योद्धा आने लगते हैं जिन्हें देखकर रिचुअल करने वाले सभी लोग डर की वजह से भागने लगते हैं और इसी के साथ ग्रेस विजन से बाहर आ जाती है। वो अब सीधा उस जगह पर जाती है जहाँ से उसके भाई की लाश मिली, जो जगह पहाड़ के ऊपर बना चर्च था जो आधा टूट गया था। ग्रेस बड़े गौर से चर्च को देख रही थी कि उसे फिर से नीचे आता है जहाँ पर बहुत सारी नंस चर्च से पानी में कूद कर अपनी जान ले रही थी। जो देखकर ग्रेस काफी घबरा गई और एक बार फिर वो बेहोश हो जाती है। आखिर पर जब उसकी आंखें खुली तो वो खुद को कॉन्वेंट में पाती है जहाँ पर बाकी नंस ने उसे भी अपने जैसे नंस वाले कपड़े पहना दिए थे। ग्रेस अब उठी और वहाँ से बाकी नंस के पास आ जाती है। वो बड़ी नन को कहती है कि मरने से पहले मेरे भाई को काफी चोट लगी थी, क्या हुआ था उसके साथ। जो सुनकर बड़ी नन काफी हैरान रह गई, पूछती है कि तुम ये बात कैसे जानती हो जबकि मरने से पहले तो तुम्हारे भाई को किसी ने भी नहीं देखा था। अब उसकी इस बात का ग्रेस के पास भी कोई जवाब नहीं होता तो इस बात को टाल कर वो वही बैठ जाती है। अब फादर मैग ग्रेस को उसी पहाड़ी चर्च के पास ले आते हैं और बताने लगी कि लोगों का मानना है कि यहाँ एक खतरनाक शैतान रहा करता था जिसने यहाँ की बहुत सारी नंस की जान ले ली, पर ये बातें सिर्फ किताबों में लिखी है, हकीकत क्या है कोई भी नहीं जानता। ग्रेस वहाँ पड़े एक पत्थर को देखती है जिस पर एक क्रॉस के ऊपर सांप का निशान बना हुआ था। अब मैग उसे बताती है कि उस शैतान के अलावा नंस के मरने का एक दूसरा तरीका भी है। अगर किसी नंस से कोई गुनाह हो जाए जिसका उसे बहुत पछतावा हो रहा हो तो उस गुनाह को धोने के लिए वो इस चर्च से पानी में कूद कर अपनी जान लेती है। जो सुनकर ग्रेस की होश उड़ जाती है। थोड़ी देर बाद मैग उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर गई जहाँ वो ग्रेस को उसके पास से जुड़ी सारी चीजें दे देती है, यानी कि उसका सामान वगैरह जिसमें एक डायरी भी थी जिस
इसे खोलकर ग्रेस पढ़ना शुरू कर देती है। ये डायरी काफी अजीब जुबान में लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी ग्रेस किसी तरह उसे पढ़कर समझने की कोशिश करती है। डायरी से हमें पता चला कि ग्रेस अपने भाई की सुतेली बहन थी। उसके भाई की मॉम डैड ने ग्रेस को गोद लिया था और ग्रेस के पास कुछ ऐसी ताकतें थी जिस वजह से वो विजन देख सकती थी। और इसी के साथ हमें पास्ट यानी माजी का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर एक दिन ग्रेस की डैड जहाज से कहीं पर जा रही थी, पर बाद में पता चला कि उसकी डैड की मौत हो गई। जो सुनकर ग्रेस काफी टूट गई। वो बहुत दुखी होकर अपने डैड को याद करने लगी। उसने रो रो कर ये दुआ की कि मेरे डैड किसी तरह वापस आ जाए। हैरान कुन चीज ये हुई कि उसकी दुआ पूरी हो गई। सच में उसकी डैड वापस आ गई, जिन्हें देखकर ग्रेस की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं बचता। पर हमने नोटिस कर लिया कि उस दुआ के बाद से ग्रेस की जिंदगी में उल्टी और बुरी बुरी चीजें होने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो दुआ शैतान ने सुन ली है, जिसे पूरा करने के बदले अब उसे ग्रेस से भी कुछ चाहिए। खैर अब ग्रेस इस पास्ट से वापस आ गई। सीन जब प्रेजेंट में आया तब ग्रेस खिड़की से बाहर देखती है, जहाँ पर एक नर्स काफी घबराई हुई भागकर कहीं पर जा रही थी। तब ग्रेस भी उसका पीछा करने लगती है, लेकिन तभी वो नन चाकू से अपने बाजू की नसें काट लेती है। उसका बहुत तेज खून बहने की वजह से वही उसकी मौत हो गई। लेकिन फिर अगले ही पल वो नन बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसकी नसें भी ठीक थी, खून भी नहीं आ रहा था, क्योंकि नसें काटने वाली चीज ग्रेस का विजन था। जो देखकर ग्रेस एकदम हैरान रह गई। अब डिटेक्टिव बड़ी नन के पास आकर उसे सवाल करने लगा कि जब ग्रेस के भाई की लाश को यहाँ लाया गया, तब पुलिस के यहाँ आने से पहले उसकी लाश को साफ किसने किया था। क्योंकि ग्रेस ये सवाल उठा रही है कि अगर मेरे भाई ने छत से कूदकर अपनी जान ली है, तो फिर उसके जिस्म पर मिट्टी क्यों नहीं लगी, या ऐसा कोई निशान क्यों नहीं है, उसका जिस्म बिल्कुल साफ कैसे था। जिस पर बड़ी नन कहती है कि उसे साफ मैंने किया था, ताकि उसका फ्यूनरल यानी उसे अच्छे तरीके से दफन किया जाए। यहाँ बड़ी नन डिटेक्टिव को भी वही बात बताती है कि शैतान ने ग्रेस के भाई को पहले अपने कंट्रोल में किया, फिर बड़े फादर को मरवा दिया। अब आगे वो शैतान किसी और की जान ना ले ले, इसीलिए ग्रेस के भाई ने छत से कूदकर अपनी ही जान दे दी। पर यहाँ ग्रेस की तरह डिटेक्टिव को भी इस बात पर यकीन नहीं होता, जिसके बाद हम फिर से पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर ग्रेस की डैड वापस तो आ गई थी, पर उनकी हाव भाव साथ ही बर्ताव भी काफी बदल गया था। पहले जहाँ गॉड पर उनका बहुत यकीन था, अब वो यकीन पूरी तरह गॉड पर से उठ गया था। साथ ही वो अपने बच्चों और बीवी को भी पिंजरों में बंद करके रखती थी। फिर एक दिन जब उनकी वाइफ ने उनकी कैसे भागने की कोशिश की, तो ग्रेस की डैड ने उनका पीछा किया और सीधा उनकी जान ही ले ली। घर आकर फिर उन्होंने अपने बच्चे को पकड़ लिया, क्योंकि वो उन्हें भी मारना चाहती थी। पर ठीक वक्त पर पुलिस वहाँ आई और उन्हें गिरफ्तार कर ली थी, और तब अपनी वाइफ की मौत के जुर्म में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। जिसके बाद सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर ग्रेस मैक्स से मिलने आई। उसे बताती है कि हमारे मॉम के मरने और डैड के जेल में जाने के बाद मैं और मेरा भाई इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। तब इस पहाड़ वाले चर्च ने हमें गोद लेने की कोशिश की, इसी वजह से मेरा भाई यहाँ आया होगा, वरना वो कभी नहीं आता। उसकी ये बात सुनकर मैग कहती है, पर मुझे तो बड़ी नन ने कुछ और ही बताया था। उसने कहा था कि तुम्हारा भाई पहाड़ वाले उस चर्च से एक खास किस्म की चीज लेने आया था, जिसका नाम रेलिक है। पर जब उस पहाड़ पर अर्थक्वेक यानी जलजला आया, तो आधा चर्च टूटने की वजह से वो रेलिक पानी में गिर गया। कहा जाता है कि वो चीज शैतान को पोजेस्ट करने अपने कंट्रोल में करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसका लोग गलत इस्तेमाल करना चाहते थे। अब हम फिर से पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर चर्च से एक फादर और नन ग्रेस और उसके भाई को गोद लेने आए थे। जब उन दोनों को फादर और नन के हवाले किया गया, तो वो गाड़ी में बिठाकर उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। पर रास्ते में फादर ने ग्रेस की भाई को गाड़ी से उतार दिया और सिर्फ ग्रेस को ही लेकर वो आगे बढ़ने लगे। अब रास्ते में फादर ग्रेस को भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो उसको बेहोश करना चाहती थी। पर इस बीच सामने से आने वाले ट्रक पर उनका ध्यान ही नहीं गया, गाड़ी ट्रक से जोरदार टकराई और उनका काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में ग्रेस उस खास चीज रेलिक के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगती है। वो इस वक्त कॉन्वेंट में थी, जहाँ तभी उसे बेसमेंट से अजीब तरह की आवाजें आने लगती है, इसलिए ये वहाँ चेक करने जाती है। वहाँ पड़ी लकड़ी पर जैसे वो हाथ रखती है, उसे फिर से विजन आने लगता है, जिसलिए वो देखती है कि वो बड़े फादर जिसे ग्रेस की भाई ने मार दिया था, वो बड़ी नन और बाकी नर्स मिलकर उसके भाई को इस लकड़ी के नीचे दबाकर मारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लकड़ी के नीचे ताबूत है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि उसके भाई से रैली के बारे में जान सके। तब यहाँ उसके भाई ने अपनी जान बचाने के लिए बड़े फादर को ही मार दिया। ये देखकर ग्रेस इस ख्याल से बाहर आई, साथ ही काफी घबराई भी हुई। इतनी ही देर में यहाँ एक नन आई, जिसने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो ग्रेस को मारने आई थी। उसका कहना था कि ग्रेस एक शैतान है जिसे मरना ही होगा। नन चाकू लेकर जैसे ग्रेस को मारने उसकी तरफ बढ़ने लगी कि तभी कोई अनजान ना दिखने वाली ताकत नन को पकड़ लेती है, उसका हाथ रोक ही रखती है। उस ताकत ने ऐसा करके ग्रेस को बचा लिया, जिसके बाद वो ताकत उस नन को ही मार देती है। अब ग्रेस वहाँ से सीधी जेल में गई अपने डैड से मिलने, ताकि उन्हें बता सके कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ। वो जब अपने डैड से बातें कर रही थी, तो
डैड अजीब तरह से बर्ताव करने लगे। कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे डैड की तो कब से मौत हो गई है। मैं दरअसल एक शैतान हूँ जिसे तुमने ही हेल यानी जहन्नुम से दुआ करके बुलाया है। जी हाँ, सच में मैंने ही तुम्हारी पुकार सुनी थी और तुम्हारे अंदर भी एक शैतान है। और अब तुम चाहो तो अपनी शैतानी ताकतों से अपने मरे हुए भाई को वापस बुला सकती हो। तुम जहाँ भी जाओगी तुम्हारे अंदर का शैतान तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। जो सुनकर ग्रेस कांप उठती है। उधर डिटेक्टिव बड़ी नैन से भी रैलिक के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है, जिस पर यहाँ बड़ी नैन ये राज खोलती है कि रैलिक कोई चीज नहीं बल्कि एक इंसान है, जो भी और कोई नहीं बल्कि ग्रेस ही है। उसका भाई दरअसल उसे ही ने चर्चाया था। ये बात हालांकि ग्रेस भी जानती है, पर अभी फिलहाल उसे कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि उसके अंदर एक शैतान है जो उसे हर वक्त पोजेस्ट करके रखता है, इसलिए वो अक्सर चीजें भूल जाती है। अब ये शैतान वाली बात सुनकर डिटेक्टिव को काफी हैरत तो हुई, पर उसे खास यकीन नहीं आता। दूसरी तरफ ग्रेस जब चर्च में आई तो वहाँ खड़ी नैन उससे कहती है कि मुझे बड़ी नैन ने सब कुछ बता दिया है कि यहाँ पर जितनी भी मौतें हो रही है उन सब की जिम्मेदार तुम हो, और अब अगर मैं भी मारी गई तो इसके पीछे की वजह भी तुम ही होगी, क्योंकि तुम कोई इंसान नहीं बल्कि बहुत बड़ा और खतरनाक शैतान हो। अब तभी यहाँ एक और नैन आ जाती है जिसने ग्रेस के शैतान को देख लिया था, जिससे वो इतना डर गई थी कि उसने अपनी आँखें खोल ली। और अब वो यहाँ ग्रेस से इस चीज का बदला लेने आई थी। उसे मारकर उसके हाथ में चाकू था। हमला करने को जैसे आगे बढ़ी ग्रेस के अंदर का शैतान एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे रोके रखता है। ग्रेस की जान बचाने के लिए फिर पटक कर नैन को नीचे देकर मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर दूसरी नैन वहाँ से भागी। वो चाकू उठाती है और अपनी नसें काटकर अपनी जान लेने की कोशिश करती है, जो चीज ग्रेस ने पहले अपने ख्याल में देख ली थी। पर उस वक्त तो नैन बच गई थी, अब नहीं बच पाती। हालांकि ग्रेस ने उसे रोकना भी चाहा, पर नसें काटकर उसने अपनी भी जान ले ही ली। अब यहाँ से सीधा ग्रेस मैग के पास आई, उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ यहाँ चल रही सारी बुरी चीजों के पीछे की वजह मैं ही हूँ, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें, इस शैतान से कैसे भी करके मुझे छुटकारा दिलवा दीजिए। ग्रेस जिसके बाद मैं ग्रेस को एक जगह पर लेकर आई जहाँ पर हर तरफ डायरी वाली जुबान लिखी हुई थी, और अब वो यहाँ ग्रेस को उसकी सच्चाई बताने लगती है कि आखिर वो कौन है। अब हमें वो सीन दिखाया गया जहाँ पर मास्क पहने लोग रिचुअल कर रही थी, पर जैसे वहाँ वॉरियर्स आए वो डर की वजह से वहाँ से भागने लगे। अब बाकी सारे लोग तो भागने में कामयाब रही, पर एक बच्चे को वॉरियर्स ने पकड़ लिया था। वो बच्चे को अपने साथ ले गई और उसी बाहर वाले चर्च में लाकर बंद कर दी थी, क्योंकि वो बच्ची ही रैलिक थी यानी कि ग्रेस, जो कई सौ सालों से जिंदा थी और अपने इस बच्ची वाले रूप में थी, क्योंकि सच में वो कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है जिसकी वो रिचुअल करने वाले लोग पूजा कर रहे थे, क्योंकि उन सबका भी शैतान पर यकीन। पर जब अर्थक्वेक की वजह से चर्च टूटा तो ग्रेस वहाँ से भाग गई थी, जिसके बाद उसे गोद ले लिया गया। अब सीन जब प्रेजेंट में आता है तो मैं ग्रेस को मारने का सोचते हैं, पर इससे पहले वो कोई वार करते पहले ग्रेस का शैतान उन पर हमला कर देता है। वो ऊपर से एक नौकदार हथियार मैग के ऊपर गिराता है, नौकदार चीज उनकी गले के आर पार हो गई, जिससे मैग की मौत हो जाती है। और ये चीज देखकर ग्रेस को काफी बुरा लगा, उसे दुख हुआ, क्योंकि बेशक उसके अंदर शैतान है पर कहीं न कहीं उसके अंदर अच्छाई भी मौजूद है। उसे एहसास हुआ कि मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, मेरी शैतानी ताकतों की वजह से न जाने कितने मासूम लोगों की जान चली गई। तो अब अपने इन गुनाहों को धोने के लिए वो चर्च की छत पर जाकर वहाँ से कूद जाती है, ताकि उसकी मरते ही शैतान का भी खात्मा हो जाए और उसके सारे गुनाह धुल जाए। वो जब नीचे गिर रही थी तो यहाँ हमें बताया जाता है कि जब जब ग्रेस को ऐसा महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, ये जब जब खतरे से उसकी जान बचती थी तो वो और कुछ नहीं बल्कि उसका शैतान और उसकी शैतानी ताकतें हुआ करती थी, जो हर खतरे से उसे बचा लेती थी। जैसे कि सबसे पहले बचपन में जब नैन और फादर उसे अपने साथ बिठाकर गाड़ी में ले जा रहे थे तो उसने जानबूझकर ट्रक से गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया। उसने सारी नैन को मारा था जो खुद छत से नहीं कूदी थी, और मैग भी उसके शैतान की वजह से ही मारी गई। यहाँ हमें ये बात भी पता चली कि ग्रेस की भाई ने खुद ही अपनी जान ली थी, क्योंकि उसने ग्रेस की जान बचाने के लिए उसे छुपा दिया था। पर बड़ी नैन और बाकी नैन ने मार मार कर उसे उगलवा ही लिया था कि वो कहाँ है, तो इस बात की वजह से उसके भाई ने कूद कर अपनी जान ले ली। जब उसका भाई नीचे गिर रहा था तो ग्रेस भी वहीं पर थी, पर उसकी शैतानी ताकतों की वजह से वो किसी को दिखाई नहीं दे रही। अब अगले दिन डिटेक्टिव बाकी पुलिस ऑफिसर से ग्रेस की लाश के बारे में पूछताछ करता है, पर किसी को भी उसकी लाश मिली ही नहीं थी। इसीलिए डिटेक्टिव इस बारे में बड़ी नैन से सवाल करता है, जिस पर वो कहती है कि ग्रेस मरी नहीं है, क्योंकि उसकी खतरनाक शैतानी ताकतें उसे मरने ही नहीं देती, हर बार बचा लेती है। और अब अगले सीन में हम इसी बड़ी नैन को देखते हैं, जो जब जा रही थी तो उन्हें ग्रेस एक जगह पर नजर आई, जिसके पास आकर वो गन टान देती है। और ये वही फिल्म की शुरुआत वाला सीन है। और जैसे बड़ी नैन उस पर गोली चलाने लगी, ग्रेस की ताकतों की वजह से एक गाड़ी आकर बड़ी नैन को टक्कर मार देती है, जिससे वही उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है।
कि उसके शैतान ने हमेशा की तरह इस बार भी उसकी जान बचा ली और आगे भी बचाता रहेगा। अब यहाँ ग्रेस की आवाज़ हमें बताती है कि मेरे भाई ने एक बार कहा था कि मेरे पास मेरा गार्डियन एंजल है जो हमेशा मेरी हिफाजत करेगा, यानी कि शैतान। पहले मुझे यकीन नहीं था, पर जब पहली बार उसने मेरी जान बचाई थी तब से मुझे पक्का यकीन हो गया, जो हमेशा हर खतरे से मेरी हिफाजत करता रहेगा और मैं उसका मकसद पूरा करती रहूंगी, यानी कि दुनिया में तबाही लाना, यानी कि ग्रेस को खत्म करना बहुत ही मुश्किल था। उसका और उसके शैतान का जड़ से खात्मा करने के लिए उन जैसी ताकतें चाहिए होंगी। और इसी ड्रावनी एंडिंग के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।